ने ट्रेडिशन में इनोवेशन करने की कोशिश की, बाकी बूंदी प्यार से पकाया अवन में, थोड़ा सा उबले का फ्लेवर दिया, दिए जैसे उसको पेश किया है, बस जो बाकी में कमी लग रही है थोड़ी, वो घी की कमी लग रही है। आपने जो दाल बनाई है उसमें जो चने की दाल है वो थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल की, इसलिए आपकी जो दाल है वो काफी ठीक है। दाल में स्वाद चूमा जो है आपने जिस तरह से पकाया, चूमे का टेक्सचर अच्छा है, स्वीटनेस अच्छी है, गार्निश आपने जो की है उसमें किशमिश भी डाल दी है जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, बादाम वगैरह डाल दिया जाता है, तो खूबसूरत है, स्वादिष्ट है, टक्कर दे पाए या नहीं मुझे अच्छा लगा। शेफ सारांश को मिलते हैं उनके दाल बाटी चूरमा के लिए 20 में से 17। प्रीति जी आपको मिलते हैं 20 में से 18 अंक। जी ये आपके लिए एक हफ्ता हो चुका है और इस हफ्ते 3 बार जीत हुई खिलाड़ियों की और 2 बार जीत हुई शेफ्स की, यानी खिलाड़ियों का पगड़ा एकदम भारी। अब देखते हैं आने वाले हफ्तों में क्या होगा, कौन जीतेगा, खिलाड़ी या हमारे शेफ, तालीम जीतेगी या तजुर्बा, प्यार जीतेगा या प्रोफेशन, देखते रहे सजीव कबूर के किचन खिलाड़ी। गुड नाइट, शबा गया, नमस्कार। मैंने दाल के लिए 5 दाल ली, चना दाल, छिलका दाल पानी से वॉश करके भूख करके रखा 10 मिनट तक स्लो गैस पे, उसको पकाते हैं। एक अलग बर्तन में घी लिया 1 टेबल स्पून, उसमें जीरा डाला, तेज पत्ता डाला, हींग डाला, रेड चिली पाउडर, टमाटो, जिंजर, चिली को मैश करके डालता है। उसके बाद में हम उसको थोड़ी देर पकाते हैं, फिर से मेरी दाल रेडी हो गई। बाटी के लिए गेहूं का आटा लिया, इसमें अजवाइन डाला 1/2 टीस्पून, नमक, घी डालोगे उसको अच्छे से मैश करना है, थोड़ा वार्म वाटर से उसको ओसलना है, 8-10 बॉल्स बनाएंगे और उसको हॉल करेंगे स्टफिंग के लिए। 8 काजू, 10 किशमिश एंड अनार डाल के पोटेटो की स्टफिंग करके घी में मैंने उसको ड्राई किया। से बाटी रेसिपी रेडी। Madeira, I'm so good to hear me. So, so bad. It's never the problem. Thank you, Super. You're going to use the problem again. Hey, wait, wait, wait. अरे इतना मत आप मुखा नहीं पड़ो। नहीं नहीं वहाँ पर नहीं। इस बार किचन में